बिग बॉस नाम की बकचोदी फिर से शुरू हो चुकी है और इस बार भी बिग बॉस ने काफी नल्ले क्रिएटर और एक्टरों को भर दिया है। अब एक बार एमसी स्टैन की वजह से इनका एक सीजन क्या चल गया तो इन्होंने ठान ही लिया है कि अब तो सोशल मीडिया वालों को ही बुलाएंगे। तो इस बार भी आए हैं लव कटारिया, नेजीदा बा और दो चार नल्ले ब्लॉगर्स। बिग बॉस के हर सीजन में ये लोग नारे लगाते हैं कि इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा, इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा, पर हमें क्या देखने मिलता है? वही फालतू की खाने पर से लड़ाई और वही दो कौड़ी के टास्क जो ये 10,000 बार पहले ही कर चुके हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। अब थोड़ा बिग बॉस से हटके बात करते हैं घर वालों की। एक तो भाई ये करियर बनाओ योजना सही चल रही है, जिसका भी डाउनफॉल आ गया चले जाओ बिग बॉस में, 5-6 फैन पेज तो बनी जाएंगे। और हाँ भाई, इस बार तो वड़ा पाव गर्ल भी आई है। भाई वो तो कब से चली भी गई। क्या चली भी गई? लगता है बिग बॉस वालों ने दीदी के हाइजीनिक वड़ा पाव खा लिए। टेस्ट यहाँ है। अब जब हम बात कर रहे हैं बकचोदी की तो अरमान मलिक इसमें कैसे पीछे रह सकते हैं? मैंने सुना है अरमान मलिक का लफड़ा हुआ है, वो भी विशाल पांडे से। हाँ वही कच्चा बादाम। तो अरमान मलिक ने चाटा रख दिया भाई, कसम से इसके व्लॉग देखकर मुझे भी चाटा ही मारने का मन करता है। अरमान मलिक अंदर बैठ के तीसरे हनीमून की प्लानिंग कर रहा है और उनकी बीवी बाहर बैठकर डिवोर्स की प्लानिंग कर रही है। अब जैसे वड़ा पाव गर्ल इस घर में कब आई कब गई पता नहीं चला, वैसे एक और आदमी आया था और कसम से उससे बड़ा गंडवा आदमी कोई था ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदनान 00000007। भाई घर में घुसते टाइम इतनी बात करके गए और घर में जाने के बाद उनकी हवा तो ऐसे निकली जैसे गुब्बारे से निकलती है। अदनान भाई की गलत फहमी उनकी हाइट से कहीं ज्यादा बड़ी है। और वो गलत फहमी क्या है पता है? कि उनके फॉलोअर सही में एग्जिस्ट भी करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन से चूते 11 मिलियन लोग हैं जो अदनान को फॉलो कर रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूँ ये फॉलोअर चेक करो रियल है या फेक, और अगर रियल है तो भाई उनकी दिमागी हालत चेक करो। क्यों भाई, क्यों 11 मिलियन इसे फॉलो कर रहे हैं? क्या करता क्या है ये? गानों पर गांड हिलाता है ना बहन। जो 10,000 नहीं हो रही यूट्यूब पे, पर इनके 11 मिलियन हो रखे हैं। खैर बिग बॉस पर व्यूज अच्छे आने के कारण और मेरे घर पे पनीर पकने के कारण इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाया जाएगा। धन्यवाद।